जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे इंडियन आर्मी सॉलिडर जीडी। ये पेपर अभी 2020 में हुआ है और ये रोहतक में हुआ है, अम्बाला में, ठीक है। तो उसके पेपर को आज डिस्कस करने वाले हैं। पेपर डिस्कस करने से पहले मैं इसका ओरिजिनल कॉपी दिखा देता हूं, जिसको मैंने हैंड रिटन किया है, क्योंकि उसमें अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, इसी वजह से मैंने इसे हैंड रिटन कर दिया है। चलिए उस पेपर को भी देख लेते हैं ताकि आप लोग को लगे कि हाँ ये ओरिजिनल ही है, ठीक है। ये देखिए ये रहा इसका ओरिजिनल पेपर, जो कि एक बच्चे के द्वारा भेजा गया। यदि किसी बच्चे के पास पेपर हो तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया होता है, या फिर मैं आपको लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। चलिए मैं व्हाट्सएप नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। यदि आप पेपर हमें भेजते रहेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपको भी फायदा मिलेगा और बाकी जो बच्चे पेपर्स ढूंढ रहे हैं उनको भी यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो यदि आपके पास पेपर है तो अभी व्हाट्सएप करें और सॉल्यूशन जितनी जल्दी हो सके इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप पूर्णतया पेपर देख लो। जैसे ये पेपर है, देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, इसी वजह से मैंने उसे हैंड रिटन कर लिया था। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चे के द्वारा भेजा गया है और आप देख सकते हो, तो इसको मैंने हैंड रिटन कर दिया। और ये जो क्वेश्चन है इसका कॉपी आपको मिल जाएगा, वेबसाइट का नीचे लिंक दिया गया है, ठीक है। एक मिलेगा आपको ओरिजिनल पेपर के नाम से और एक मिलेगा आपको सॉल्यूशन वाला, ठीक है। तो दो लिंक नीचे दिया जाएगा, उस लिंक से आप इस क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि इंडियन आर्मी में कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 प्रश्न के मार्क्स जो होते हैं 100 होते हैं, पासिंग मार्क्स 35 होते हैं, ड्यूरेशन आपको 60 मिनट दिया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन का कोड है 002ROH, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो है वो जनरल नॉलेज से दिया गया है और जनरल नॉलेज में पहला प्रश्न दिया गया हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो कंप्यूटर जो है वह चार्ल्स बैबेज के द्वारा आविष्कार किया गया था। और चार्ल्स बैबेज जो है यह एक मैथमेटिशियन है, इंग्लिश मैथमेटिशियन, जिनको कि हम लोग गणितज्ञ हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। तो ये गणितज्ञ हैं और इन्होंने 1830s, ठीक है, 1830 में कंप्यूटर का आविष्कार किया, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपके ए में दिया गया है चार्ल्स बैबेज, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म इन विच ईयर, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना। तो देखिए यदि आपको प्रश्न नॉर्मली पूछ दे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो ये प्रश्न होता है इंग्लैंड से जुड़ा हुआ, ठीक है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ होता है, जिसका उत्तर आपका 1600 हो जाएगा, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जब बात की जाए ना, तो जैसे कि यूरोपीय आए, तो यूरोपियों के आने के क्रम में कुल 6 ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी। सर्वप्रथम जो है पुर्तगालियों के द्वारा 1498 में कोचीन में स्थापित किया गया था। सेकेंड आपको अंग्रेजों के द्वारा, जो कि सूरत में किया गया था 1600 में, ठीक है। फिर थर्ड आपको डच के द्वारा, फोर्थ आपको डेनिश के द्वारा, फिफ्थ आपको फ्रांसीसियों के द्वारा और सिक्स आपको स्वीडिश के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित की गई थी, ठीक है। लेकिन जब भी प्रश्न पूछता है तो सिर्फ ईस्ट इंडिया दे, इसका मतलब है कि अंग्रेज वाला पूछा है तो हमें 1600 ईस्वी टिक करना होता है, ठीक है। तो सेकेंड का ए उत्तर हो जाएगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपका दिया गया है द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्ट, अर्थात भारत में प्रथम बुलेट ट्रेन जो बनेगी वह किसको जोड़ेगी, किसको कनेक्ट करेगी, कहां जाएगी, ये प्रश्न आपसे पूछा है, ठीक है। आपने सुना होगा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और यह जो प्रोजेक्ट है वह 15 अगस्त 2022 तक, कब तक, 15 अगस्त 2022 तक खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है यह आपको 2017 में सितंबर के आसपास स्टार्ट किया गया था, शुभारंभ किया गया था, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो प्रोजेक्ट जो पास हुआ उसमें आपको सर्वप्रथम मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो है रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी शुरू की गई, कि सबसे प्रथम जो बुलेट ट्रेन चलेगी वह अहमदाबाद एवं मुंबई को जोड़ेगी, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड का डी, अहमदाबाद एंड मुंबई, ओके। तो थर्ड का डी उत्तर हो गया, ठीक है। यदि आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दे रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आपको दिया गया है वेयर इज नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड, अर्थात भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय
अब देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय क्या होता है, नेशनल म्यूजियम क्या होता है, इसमें क्या है कि हमारे भारत में जो पुरानी पुरानी चीजें हैं, आर्ट्स हैं, तो उन सबको स्टोर करके रखा गया है। जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो चीजें हैं, ठीक है, मध्यकालीन सभ्यता की जो चीजें हैं, उन सभी को स्टोर करके रखा गया है, ठीक है। और बहुत सारे संग्रहालय यहाँ पर, जैसे हम लोग जाते हैं लाल किला, तो वहां भी एक संग्रहालय है, ठीक है, लेकिन वो उस राजा का है, वो नेशनल नहीं है। तो नेशनल वाला कहाँ, ये बताइए। तो नेशनल वाला जो है वो आपके जनपद, ठीक है, प्रगति मैदान के पास पड़ता है, जनपद नई दिल्ली में, तो वहीं पर है, ठीक है। इसमें भारत के तमाम देश में से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, उनको संग्रहित किया गया है, जमा किया गया है। तो फोर्थ का उत्तर डी हो जाएगा, दिल्ली। ओके, चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया कि हाउ मेनी कंट्री आर मेंबर ऑफ सार्क, सार्क के सदस्य कितने हैं। देखिए देखिए जब सार्क एस्टेब्लिश किया गया था स्टार्टिंग में, तो उस समय कुल 7 ही मेंबर थे, ठीक है, लेकिन फिर बाद में 8 मेंबर हो गए। अब वो 8 कौन कौन है, चलिए मैं आपको बता दूं। तो पहला आपका है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, ओके। सेकेंड कौन सा है, सेकेंड आपका बांग्लादेश, ठीक है। थर्ड कौन सा है, थर्ड आपका भूटान, ठीक, भूटान। फोर्थ आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आपका भारत हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ देखिए कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ आपका मालदीव हो जाएगा, ठीक है। और सिक्स आपका नेपाल, सेवन आपका हो जाएगा पाकिस्तान, और लास्ट आठवां अभी करेंट का जो जुड़ा है वह है श्रीलंका, ठीक है। तो कुल 8 मेंबर अभी करेंटली 2007 में जब लास्ट समिट हुआ था, लास्ट बैठक हुई थी, तब तक का है ये, ठीक है। और लास्ट बैठक जो हुई थी वह न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है, सार्क का। तो ये है। और सार्क क्या है, सार्क एक वेलफेयर सोसाइटी है, ठीक है, और यह 1985, ठीक है, 1985 में, देखिए 81 में इसके बारे में सोचा गया, 1981 में सोचा गया सभी कंट्री के द्वारा, लेकिन 85 में एस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है। और कुल अभी तक 14 बैठक हो चुकी है सार्क में, ठीक है। ये क्या है कि करंट अफेयर में पूछता है, इतना जोर देने का क्या मतलब है मेरा कि ये जो है आपको करंट अफेयर में पूछेगा, ठीक है, तो हो सकता है फिर कभी आ जाए। तो आपको क्या है कि स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है, इन सभी चीजों से जुड़े जो करंट अफेयर्स हैं उनको आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आप इनसे 4-5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और नोट्स जो है वो आपको पेड मिलेंगे, नीचे लिंक दिया गया होगा पेड नोट्स करके, ठीक है, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अगला 6 प्रश्न दिया गया है कि वन पीपल वन स्टेट वन लीडर, ये पॉलिसी किसकी थी, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता, ये पॉलिसी किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये पॉलिसी जो है जर्मनी के राजनीतिज्ञ, आप जर्मन पॉलिटिशियन को जानते होंगे, कौन है बताइए, जर्मन पॉलिटिशियन, ठीक है, सबसे फेमस बताइए कौन है। तो सबसे फेमस जर्मन पॉलिटिशियन जो है वह आपके एडोल्फ हिटलर है, ठीक है। और एडोल्फ हिटलर जो थे वह नाजी पार्टी से, किस पार्टी से थे, नाजी पार्टी से, नाजी पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो देखिए यहां पर एडोल्फ हिटलर आपके सी में दिया गया है, तो 6 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आपका अगला प्रश्न 7 दिया गया है कि कालाहारी डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, अर्थात कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल जो है यह आपके दक्षिणी अफ्रीका में है, ठीक है, और दक्षिणी अफ्रीका में यह मतलब कह लीजिए तो अर्ध शुष्क रेतीला स्थान है, ठीक है, और ये अप्रोक्स 9 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा कितने में फैला हुआ है, 9 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। और कहां पर है, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, सऊदी अरबिया और साउथ अफ्रीका, इस वाले तो आपका पहला होगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां आपको दिया गया है, विच अमंग फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ रायपुर, ठीक है, यहाँ पर 8 के डी में दिया गया है, तो 8 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए अभी छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, गवर्नर का नाम बताइए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में पूछ देगा आपको। तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया यूके, ठीक है, अनुसुईया, ठीक है, यहाँ पर ई लिख दीजिए, सुईया यूके, ये हैं गवर्नर। और मुख्यमंत्री कौन है ये बताइए, मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, 2020 के अनुसार बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये आंकड़ा भी देना जरूरी है, क्योंकि यदि कोई बच्चे बाद में लिखेंगे चेंज हो गया तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ये आंकड़ा दे रहा हूं, ठीक है।
तो बताइए कौन है मुख्यमंत्री? तो मुख्यमंत्री है भूपेश भोगल। ठीक है, कौन है? भूपेश भोगल, ये भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए छत्तीसगढ़ कब बना था? छत्तीसगढ़ जो है वह 1 नवंबर 1 नवंबर 2000 ईस्वी में बना था। ठीक है, और 2000 ईस्वी में एक और स्टेट अलग हुआ था। क्या अलग हुआ था? बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपस में रिलेट करती हैं, तो इन सबको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्तर आपका एट का डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न 9 दिया गया है कि विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ जो उत्तर होगा आपका वह होगा उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी की जो जनसंख्या है वह आपकी 20 करोड़ है। ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू है 20 करोड़। ओके, उसके बाद ऐसे में आपको 3 बता देता हूँ। फर्स्ट पोजिशन पे तो आपका उत्तर प्रदेश आता है जनसंख्या के मामले में, फिर उसके बाद सेकेंड स्थान पर आपका महाराष्ट्र आता है। ठीक है, और महाराष्ट्र की जनसंख्या जो है वह आपका 12 करोड़ के आसपास है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आता है थर्ड पोजीशन पे? तो थर्ड पोजीशन पे बिहार आता है। ठीक है, और बिहार की जो जनसंख्या है वह 11 करोड़ के आसपास है। ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू है और ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 9 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 आपका दिया गया है। द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ हाउ मेनी इयर्स, अर्थात उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो उपराष्ट्रपति जो है भारत में 5 वर्षों के लिए पद पर रहते हैं, और ये आपको आर्टिकल 63, ठीक है, 63 में वर्णित किया गया है। ठीक है, और सैलरी कितनी होती है इनकी? तो 4 लाख, 4 लाख इनकी सैलरी होती है पर मंथ की। और अभी वर्तमान में कौन है बताइए? वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट बताइए, इनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, ये 11 अगस्त 2017 से अपने पद पर बने हुए हैं, इनका नाम क्या है प्रश्न के रूप में आप कमेंट करेंगे कि वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम क्या है 2020 के अनुसार। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 10 का बी हो जाएगा, 5 ईयर, 5 साल। ठीक है, तो उत्तर आपका बी हो गया। आगे बढ़े, 11 आपको दिया गया है। इन विच स्टेट अक्षरधाम टेम्पल इज लोकेटेड। ठीक है, तो अक्षरधाम मंदिर, देखिए अक्षरधाम मंदिर के नाम से आपको न्यू दिल्ली मुंह पे चला आएगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि न्यू दिल्ली से पहले भी अक्षरधाम मंदिर स्थापित था हमारे भारत में, और वह कहां था बताइए? वह आपके गुजरात में था। ठीक है, और अभी भी है, था नहीं है, सॉरी, गुजरात में है। और यह 2 नवंबर 1992 को कंप्लीट बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और उसके बाद सेम इसी प्रकार का मंदिर जो है वह दिल्ली में बनवाया गया, और यह कब बन के तैयार हुआ? 6 नवंबर 2005 में बनकर तैयार हुआ दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर। ठीक है, जो कि नोएडा के बाईपास रोड पे है, वहां पर आपका अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन भी है, और यह प्रगति मैदान के आसपास पड़ता है। ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूं तो गया हूं, घूमा हूं, बहुत ही अच्छा है। और इनमें इवनिंग में क्या है कि आपको बहुत सारे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो पूछ दिए जाते हैं, और मैं उन जगह पे विजिट होके आया हुआ हूँ। ठीक है, तो घूमने से भी एक्सपीरियंस मिलता है और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 दिया गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल, अर्थात कृषि नहर सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए कृषि नहर जो है सबसे बड़ा वह है राजस्थान का, इसको राजस्थान का नहर कहा जाता था, पुराना नाम है ये, लेकिन अब इसको परिवर्तित कर दिया गया, इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, ओके, यहां पर आपको दिया गया है, है ना। और इससे क्या होता है? तो जो राजस्थान की मरुभूमियां हैं उसमें सिंचाई की जाती है और पेयजल व्यवस्था भी किया जाता है। ठीक है, तो 12 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, 13 आपको दिया गया है। मोहन बगान इज अ टीम ऑफ विच स्पोर्ट, अर्थात मोहन बगान किस खेल का टीम है। देखिए मोहन बगान जो है यह एक एथलीट क्लब है, और इस एथलीट क्लब में जो है फुटबॉल का क्लब है, यह कोलकाता में है, और यह 1889 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फुटबॉल आपका 15 का सी उत्तर हो जाएगा। मजा आ रहा पढ़ने में?
मजा आ रहा तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिया गया है, द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात विश्व का सबसे गहरा महासागर। देखिए विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है, और यह आपके मारियाना नाम का एक जगह है, ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच करके, वहां पर यह 11 किलोमीटर गहरा है, ठीक है। तो सबसे गहरा यही जगह है और यह प्रशांत महासागर का है। तो उत्तर आपका हो गया पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। 14 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। 15 आपको दिया गया है, हु वॉज द फादर ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, अर्थात रूसी क्रांति के जनक किसको माना गया है। तो रूसी क्रांति के जो जनक हैं वह लेनिन को माना गया है, और लेनिन का जो पुराना नाम है बहुत ही लंबा चौड़ा, व्लादिमीर इलिच उल्यानोव, ठीक है, ये उनका पुराना नाम है। और ये 70 से लेकर 1924 तक रहे, 70 में इनका बर्थ हुआ और 1924 में इनका डेथ हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस रहे और इनको बाद में लेनिन के नाम से जाना गया, ठीक है, रूसी क्रांति के जनक के रूप में। तो 15 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मजा आ रहा है। और जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा है वॉइस प्रेसिडेंट वाला, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं प्रश्न पूछता हूँ और बच्चे उसके सही सही रिप्लाई देते हैं, ठीक है, लगता है कि हाँ जो वीडियो बनाया वो सक्सेसफुल जा रहा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इंडियन आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, इन सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण नोट्स चाहते हैं तो आप फ्री वाले वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, www.studyandupdates.com, या फिर पेमेंट करके लेना चाहते हैं तो वो आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे नोट्स हैं जो आपको अवेलेबल कराया जाएगा, और व्हाट्सएप करने के लिए आप व्हाट्सएप करेंगे 7979946092, ठीक है, स्टडियन अपडेट्स के नाम से यह सेव है, और इसके कैटलॉग में आप चले जाएंगे, बहुत सारे कैटलॉग हैं, जो जरूरत है आपको उस कैटलॉग को भेजें, उसके अनुसार भुगतान करें। इसी नंबर का प्रयोग भुगतान में भी करना है, ठीक है। भुगतान जो है आप यूपीआई के थ्रू कीजिएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सबसे भुगतान कर सकते हैं, और अपनी जरूरत के अनुसार आप हमसे स्टडी मटेरियल्स खरीद सकते हैं, ठीक है। और आपका सेकंड सेक्शन आता है बी, और इसमें आपके जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से प्रश्न आते हैं, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर आपको 16 दिया गया, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो सर्वप्रथम प्रतिरोध है ना, ये प्रतिरोध होता क्या है पहले ये आपको जानना चाहिए। तो प्रतिरोध मतलब हो गया कि विद्युत परिपथ है आपका एक, और उसमें जो हमारे प्रवाह को रोकता है वह रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है, प्रतिरोध कहलाता है। इंग्लिश में कह लें रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन अ सर्किट, ठीक है। तो जो रोकता है विद्युत प्रवाह को वह प्रतिरोध कहलाता है, और प्रतिरोध को ग्रीक शब्द में डिनोट किया गया था ओम, किसके द्वारा, तो ओम के ही द्वारा किया गया था, एक ओम करके नाम थे जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर इसको ओम रख दिया गया, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा, ठीक है। और आजकल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियोस को, शेयर करते रहो तो और भी वीडियो जाती रहेगी जल्दी जल्दी से, ठीक है, तो शेयर करते रहे। 17 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इनमें से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। तो सर्वप्रथम आपको जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, बताइए आपको पता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है रेडियो, कंप्यूटर, टेलीविजन, बल्ब, इन सभी में से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सा होगा बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हमें सेमी कंडक्टर डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम लोग ट्रांजिस्टर के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो बिना ट्रांजिस्टर वाले जो हो जाएंगे वह इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं कहलाएंगे। यहां देखिए रेडियो दिया गया है, रेडियो में हम लोग वॉल्यूम अप एंड डाउन करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर सब लगा होता है। कंप्यूटर में भी सिमिलर चीज है, कंप्यूटर में तो डिस्प्ले के लिए ही ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाएगा, इसका जो मदरबोर्ड है उसमें ट्रांजिस्टर के बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। तो अर्थात यहां पर रेडियो देख लीजिए, कंप्यूटर देख लीजिए, टेलीविजन देख लीजिए, ये सभी चीजें जो है इनमें आपके ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया है, अर्थात सेमीकंडक्टर चीजों का प्रयोग किया गया। वहीं बल्ब जो होता है उसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, इसमें कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं होता है। ये हमें हीट पैदा करता है, ठीक है, इल्यूमिनेट करता है, इसी वजह से बल्ब जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो 17 का डी उत्तर हो जाएगा। ओके आगे बढ़े। 18 आपको दिया गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज फील्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स अर्थात आप कह लीजिए कि आप जो शीतल पेय पीते हैं, जैसे कि कोको कोला हो गया, थम्सअप हो गया, स्प्राइट हो गया, तो ये सब जो पीते हैं इसमें कौन सी गैस भरी होती है बताइए। एक ऐसी गैस है जो हम लोग छोड़ते हैं, वही इसमें भरी जाती है। अब क्यों भरी जाती है ये बताइए। अब देखिए आप लोग छोड़ते क्या हो गैस, कौन सा गैस छोड़ते हो, CO2, दूसरा मत सोचना ठीक है। CO2 गैस हम लोग श्वसन के बाद निष्कर्षित करते हैं ठीक है। तो ये गैस जो है यह कोल्ड ड्रिंक्स में डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं, पहली बात जो चमक है पदार्थ की वह बनाए रखता है ठीक है। दूसरी बात जो स्वाद आपको आता है ना, वो स्वाद भी CO2 से आता है। और तीसरा कौन सा, कि यह खराब नहीं होने देता ठीक है, सामान को खराब नहीं होने देता है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है शीतल पेय में किया जाता है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1932 डिग्री फॉरेनहाइट इक्वल्स टू, चलिए ये प्रश्न मैंने आपको इंडियन आर्मी जीडी सेट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर भी बता दूं, क्वेश्चन नंबर 16 पे सॉल्व किया है। सिमिलर प्रश्न है, एग्जैक्ट कोई अंतर नहीं है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे या फिर आप लोग फर्स्ट वाली वीडियोस देख लें ठीक है। मैं थोड़ा बहुत लिंक कर देता हूं ताकि आप उन वीडियोस को भी देखें ठीक है। तो मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं, सी बाई फाइव इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9। इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा, मैंने सॉल्व करके भी इंडियन आर्मी जीडी सेट फर्स्ट में बताया है ठीक है। तो इंडियन आर्मी जीडी के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से आप देख सकते हैं ठीक है कैसे कैसे सॉल्व किया गया। फिलहाल मैं उत्तर बता देता हूं, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ठीक है। उत्तर मैंने बता दिया है, कैसे है ये आप समझने के लिए आप कृपया आप वीडियो देखें तो ही मजा आएगा मुझे भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 दिया गया है, द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, अर्थात खगोलीय दूरी जो होता है उसको किसमें मेजर किया जाता है, मापा जाता है। तो खगोलीय दूरी, चलिए मैं एक बार लिख देता हूं, वन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होता है वह आपके 1495 97871 किलोमीटर के बराबर होता है ठीक है। तो किलोमीटर का प्रयोग किया गया ना, है ना, इकाई क्या लगाई गई, किलोमीटर ना, ढूंढ लो यार, ए में दिया गया है तो 20 का ए उत्तर हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 दिया गया है, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। ये तो आप लोग घर में यूज करते हो ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, उत्तर आपका बी हो गया ठीक है। और H2O क्या होता है, H2O क्या होता है, जल को कहा जाता है ठीक है, Ca कैल्शियम और KCl पोटासियम क्लोराइड ठीक है। तो ये सभी चीजें बहुत ही नॉर्मल हैं। चलिए एक प्रश्न और याद आता है कि बार बार पूछा भी जाता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसका जो रासायनिक नेम है, रासायनिक नाम, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तीन चार प्रश्न तो हो ही जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो पूछता हूं ना, वो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं पूछ भी देता हूं ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिया गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, अर्थात हवा में ऑक्सीजन की मात्रा। देखिए देखिए हवा जो है 100% है, इस 100% में आपका नाइट्रोजन जो होता है वह 78% हो जाता है ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका 21% हो जाता है और आर्गन आपका, आर्गन आपका 0.9% हो जाता है, रिमेनिंग 1% या फिर कह लीजिए आर्गन थोड़ा कम होगा तो बाकी चीजें CO2 मीथेन वगैरह सब उसमें चले आते हैं, ओजोन वगैरह भी ठीक है। तो आपको जानना है ऑक्सीजन के बारे में ना, तो ऑक्सीजन कितना है 21% ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन का दे दिया और ये आपका नाइट्रोजन का दे दिया ठीक है। तो 22 का बी उत्तर हो गया ठीक है। आगे बढ़े। 23 दिया गया है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी काउस्ट, अर्थात शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी या आपके जो मसूड़े हैं उसमें सूजन चला आता है ठीक है। और विटामिन सी किससे मिलता है बताइए, तो विटामिन सी आपको नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ खाने से मिलता है ना, और या फिर अंकुरित अनाज भी आप खाते हैं तो उससे विटामिन सी मिलता है ना। तो बताइए स्कर्वी कहां दिया गया आपके, 23rd के डी में, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 23rd का डी हो जाएगा। वेल ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 दिया गया है, मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, तो ये आपको याद होगा CH4, इसको कैसे लिखते हैं देखिए, है ना, ये आपका
मेन कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस में, मीथेन। ये रहा आपका 24 के ए में ना, तो 24 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 25 दिया गया है, द आई ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस टर्न्स इनटू विच कलर। जब आपको पीलिया हुआ होगा बचपन में, जॉन्डिस जॉन्डिस बोलते आए हैं, और जॉन्डिस में क्या होता है कि आंख हमारी पीली हो जाती है, शरीर हमारा पीला पड़ने लग जाता है। अब पीला पड़ता क्यों है ये तो बताइए। पीला पड़ने का एक वजह है कि रक्त में बिलिरुबिन जो होता है उसका निर्माण शुरू हो जाता है, और उसके निर्माण शुरू होते ही क्या होता है, हमारा शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाता है। फिर हम लोग क्या उपचार लेते हैं, दवाई के साथ साथ जूस वगैरह पीते हैं, मीठा जूस, ठीक है, जैसे गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं। बचपन में यदि आपको हुआ होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा, तो क्योंकि अधिकतर लोगों को जॉन्डिस हो ही जाता है ना, तो इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर हो जाएगा आपका पीला। 25 का सी उत्तर हो जाएगा, येलो। आगे बढ़े। 26 दिया गया है, स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, अर्थात ध्वनि की चाल डैश में मापी जाती है। जब भी चाल का प्रयोग किया गया है, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू दूरी बटे समय, तो दूरी का SI मीटर और टाइम का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड आपको ढूंढना है, बी में दिया गया है। 26 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 दिया गया है, विच मेटल वॉज फर्स्टली यूज बाय मैन ऑन द अर्थ, सबसे पहले पृथ्वी पर कौन सा धातु का प्रयोग किया गया, तो सबसे पहले यहां पर देखिए आपको डी में दिया गया है, कॉपर ना तांबा, इस धातु का प्रयोग किया गया था आज से अप्रोक्स 10,000 ईयर एगो, ठीक है, 10,000 साल पहले की बात है ये, तो 27 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े। 28 दिया गया है, when blue litmus paper is kept into acetic acid, the blue litmus turn into which color? आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग नीले लिटमस पत्र को एसिटिक अम्ल में डालते हैं तो नीला लिटमस पत्र जो है वह लाल हो जाता है ना। देखिए ये हम लोग जो है एसिड के पहचान के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो 28 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है 9th-10th में है, यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप आसानी से इसके उत्तर दे पाओगे, यदि नहीं पढ़ा है, क्विक रिविजन करना है तो नोट्स खरीद लीजिए, वहां से आप आसानी से पढ़ पाइएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 दिया गया है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0°C, तो प्रश्न में ऐसा कह रहा कि हवा में 0 डिग्री पर ध्वनि की गति क्या होती है, तो 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये चेंज होती रहती है, v बराबर s प्लस ut, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है और उस पर हम लोग प्रयोग करते रहते हैं, ये बार बार चेंज होता रहता है, तो इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा, 0 डिग्री पर 332 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है, तो 29 का सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साइंस का आखिरी प्रश्न 30, द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट, अर्थात बिजली के हीटर का जो एलिमेंट होता है वह किससे बना होता है। देखिए NICR, ठीक है, NICR ये उसका संकेतिक नाम है और इसको हम लोग निक्रोम भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 30 का डी हो जाएगा, निक्रोम। ओके दोस्तों, आप सभी के सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिमिटेड लोग ही जुड़ पाते हैं, वहां पर ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कमेंट करते हैं, इसलिए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है जो कि स्टडी एंड अपडेट्स के नाम पे है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, ठीक है, आप यहां से जुड़ सकते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दी जाती है ताकि आपको हर एक न्यूज मिल सके, एक ही मिस ना हो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपके इस सेट का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला, तो उन्हीं सब वजहों से यह बनाया गया है ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों का नोटिफिकेशन ले सकें, जो भी सेट डाली जाती है, जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है,
मोटिवेशनल चीजें होती हैं वो सभी आपको इस ग्रुप में दे दिया जाता है ताकि आप अपडेटेड रहें और प्रत्येक चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इसकी विशेषता क्या है ग्रुप की, यदि आप प्रैक्टिस सेट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स डाला गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा, आप जाकर आसानी से उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, यदि जीके से रिलेटेड कोई चीज डाली जाती है जीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ से आप पीडीएफ के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो और वीडियोज को आसानी से देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे आके जुड़िए, बहुत ही बेहतर होता है, सभी को एक बार में नोटिफिकेशन चली जाती है। ठीक है, तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको अप्रूव कर दिया करेंगे और आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाओगे। ठीक है, चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं और अगला सेक्शन जो होता हुआ मैथमेटिक्स का होता है, इसमें भी 15 प्रश्न होते हैं, चलिए इन सबको कर जाते हैं। 31 दिया गया है, व्हाट विल बी द मीन ऑफ फर्स्ट फाइव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अर्थात पांच प्रथम धनात्मक विषम संख्याओं का औसत। तो पहले तो ये बताइए कि पांच प्रथम धनात्मक विषम संख्या क्या क्या होगा। ये आपका हो गया 1, 3, 5, 7 और 9, इन्हीं का औसत पूछा है ना, कितने हैं ये, टोटल पांच है ना, चलो 25 हो गया, सम बाय 5 = 5, उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। 32 दिया गया है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स ₹900 इन 4 ईयर एट 5% एनुअल ऑन सिंपल इंटरेस्ट द सम इज, अर्थात प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 5% की दर पर एक धनराशि 4 वर्ष के बाद ₹900 हो जाती है तो वह धनराशि क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहां पर आपसे पूछ रहा है ना मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, A = मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करते हैं कि ए आपको दिया गया है ना, ए आपको 900 दिया गया है, मिश्रधन 900 है और मूलधन को हम लोग एक्स मान लेते हैं और एस आई आपका वैसे लिख दिया जाता है। अब आपको एस आई का फॉर्मूला पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट = मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 हो जाता है। इसी फॉर्मूला पे रख दीजिए, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर SI = क्या हो जाएगा, SI = 900 माइनस एक्स, यही इधर पुट कर देना है, 900 माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर P है ना, P हमने क्या माना, X माना, इंटू टी कितना है 4 वर्ष ना, रेट कितना है 5/100 है ना। ये देखिए ये कट गया आपके 20 टाइम्स में, ये कट जाएगा आपके 5 टाइम्स में, अर्थात 900 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये 4500 माइनस 5x इक्वल्स टू एक्स, क्या करते हैं इस 5 को उधर ले आते हैं। ठीक है, 4500 इक्वल्स टू 5x प्लस एक्स, ठीक है, 4500 इक्वल्स टू 6x, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4500 बाय में 6। ठीक है, इसको काटिए, 750 टाइम्स में कट जाएगा है ना, क्या निकल के आया, ₹750, कहाँ दिया गया, 32 के सी में दिया गया। ठीक है, बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके, आप मुख पे सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 दिया गया है, इफ राज बाउट अ अम्ब्रेला फॉर ₹100 एंड सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ ₹10, यहाँ पर 10 होगा, ठीक है, 100 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ₹10। ठीक है, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अम्ब्रेला, देखिए यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि राज ने ₹100 में एक छाता खरीदा और उसको ₹10 लाभ पर बेचा, तो ₹100 में खरीदा और ₹10 लाभ कमाया, ₹110 हो जाएगा ना, राज ने उसको ₹110 में बेच दिया। ठीक है, तो 110 आपके ए में दिया गया है, तो 33 का ए उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 34 दिया गया है, 495 को भाग देना है और भाग देने के बाद शेषफल बताना है, तो भाग देंगे तो ये 8 टाइम्स में 48 हो गया। ठीक है, फिर 15 हो जाएगा, फिर 2 जा लगाइए, फिर 12 हो गया, कितना बचा, 3 बचा ना, तो 3 यहाँ पर आपके बी में दिया गया है, तो 34 का बी उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न और आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है ना, परफेक्ट स्क्वायर देखिए यहाँ पर पेयर ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, 9, 4, ओके,
चलिए मुझे लग रहा है ये होगा, एक बार ट्राई करते हैं 1681, ठीक है, इसको डालिए, 4 4 जा 16, ठीक है, ये हो गया आपका, कट गया कट गया, ये 81 आ गया, ये 4 4 8 हो गया 1 1, ओके आ गया 41 का स्क्वायर है ये, ठीक है, तो 41 इनटू 41 इक्वल्स टू 1681 हो जाएगा, तो 35 का सी उत्तर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 36 दिया गया है कि 100 का 25% 25 होगा, इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वैसे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 100 का 25/100, इससे ये कट गया 25 होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 दिया गया है कि सैलरी ऑफ अ मैन वाज आरएस 20,000, देन द सेम वाज इंक्रीज बाय 14%, फाइंड द न्यू सैलरी, अर्थात एक व्यक्ति की तनख्वाह जो है वह 20,000 रुपए है, और यदि तनख्वाह में 14% की वृद्धि कर दी जाती है तो नई तनख्वाह क्या होगी। तो नई तनख्वाह तो पहले देखिए 20,000 था ही, ठीक है, और क्या किया गया, 20,000 का 14%, है ना, 20,000 ये हो गया और प्लस 28 हो गया 00, अर्थात क्या हो गया 228 00, 228 00 आपके सी में दिया गया है, तो 37 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े। 38 दिया गया है, इफ 5 इज एडेड टू ट्विस्ट ऑफ अ नंबर देन इट बिकम 6, ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न में थोड़ी सी गलती हो गई, 6 देन नंबर इज, अर्थात क्या कहा जा रहा है, यदि किसी संख्या के दो गुने किए गए और उसमें 5 को जोड़ा गया तो अंक हमें 6 आता है, तो वह संख्या क्या होगी, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, 5 ऑलरेडी है और संख्या को दुगुना कर दिया गया, या 2x कर लीजिए, इक्वल्स टू आपको 6 आता है, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू 0.5, कहां दिया गया है, ए में, तो 38 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े। 39 दिया गया है, 35 मीटर को किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, 35 इंटू 18/5 कर दो, ठीक है, 57 जा 7 इंटू 18 इक्वल्स टू 126, ठीक है, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है 126 किलोमीटर पर आवर, तो 39 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 दिया गया है, इफ 20 पीपल कैन डू अ वर्क इन 20 डेज देन इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 40 पीपल, अर्थात यदि 20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो बताओ उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिन में करेंगे। M1W1 फॉर्मूला इसका याद रखिएगा, M1W1 इक्वल्स टू M2W2, M1 कितना है 20, W1 कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 20 आदमी उस काम को 20 दिन में करते हैं, अब मेन की संख्या कितनी हो गई 40, और W2 आपको पता है नहीं ना, तो W2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 400, अर्थात इस दोनों का गुना आएगा, ठीक है, याद रखना ये 400 कहां से आ गया, कहीं ये मत पूछ देना, पूछ ही भेज दो तुम लोग, ठीक है, तो यहां से ये कट गया और यहां से ये 10 टाइम्स में, तो W2 क्या हो जाएगा, वर्किंग डेज कितना हो जाएगा 10 डेज, ठीक है, तो 10 डेज आपके बी में दिया गया है, तो 40 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बस इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 दिया गया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज को पूरा करना है, 7 14 28 56, क्या है डबल है ना, 7 2 जा, ठीक है, 14 2 जा 28 2 जा, तो 56 इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा 112, सी में दिया गया है, 41 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े। 42 दिया गया है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, अर्थात 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या को जोड़ना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 4 डिजिट में 1 और 000, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट, तो 4 × 9 हो जाएगा, इसको सम कर दो ना, 10999, ढूंढो कहां दिया गया डी में, तो 42 का डी उत्तर हो जाएगा, है ना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे प्रश्न दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 दिया गया है, HCF of two number is 11, LCM is 693, if one is 77, find another number, अर्थात दो संख्याओं का महत्तम जो है वह 11 है और उनका लघुत्तम जो है वह 693 है, उनमें एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM into HCF by first number, यही करना है, ठीक है, 11 is into 693 by 77, 11 7 जा 7 9 जा 9 जा, ठीक है, 99 निकल के आया, डी हो गया आपका, 43 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े।
44 दिया गया है, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ डायमेंशन 40 मीटर बाय 60 मीटर कैन मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमीटर 120 मीटर बाय 160 मीटर। ठीक है, अर्थात प्रश्न में कह रहा कि एक आपके पास बड़ा सा फील्ड है जिसकी लंबाई चौड़ाई 120 मीटर इंटू 160 मीटर है, और दूसरी आपको कन्वर्ट करना है इसको कई पार्कों में, कई फील्डों में, तो कितने होंगे बताओ। देखिए बड़े वाले का लिखिए 120 इंटू 160, सभी मीटर में है इसलिए मीटर मीटर का कर देते हैं। ठीक है, और ये 40 इंटू 60, ये 2 जा, ये आपके 20 जा, ये इससे कट गया, ये आपके 8 टाइम्स में, अर्थात 8 पार्कों में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेल एंड गुड, आगे बढ़े। 45 दिया गया है, इफ परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर देन लेंथ ऑफ बेस। क्या कह रहा है प्रश्न, यदि एक समकोण त्रिभुज का जो लंब है वह 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और क्षेत्रफल जो है वह 20 सेंटीमीटर है, तो आधार की लंबाई क्या होगी। तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ आर ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो एरिया कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होगा। ठीक है, गुड गुड गुड, और ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू बेस निकालना है, हाइट आपको कितना जाएगा परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा, 5 4 जा, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 0.8 सेंटीमीटर। कहां दिया गया, a में, 45 का a उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ट हैं सारे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो अगला सेक्शन आता है वह आता है रीजनिंग का, और रीजनिंग में कुल 5 प्रश्न होते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं, तो चलिए इन प्रश्नों को आसानी से कर लेते हैं। 45 दिया गया है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। देखिए समूह में अगला पद हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करने का तरीका मैं आपको बता दूं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी गायब है, ई एफ जी एच गायब है, आई जे के एल गायब है, एम एन ओ पी गायब कर दो, क्यू आर एस हो जाएगा, कहां दिया गया है, बी में, तो 46 का बी उत्तर हो जाएगा, है ना, मजेदार। चलिए 47 दिया गया है कि इन अ सर्टेन कोड्स ए वाई एस रिटन एज बी ए टी देन हाउ बी वाई एस विल बी रिटन। अब देखिए यहां पर ए वाई एस, ए वाई एस को बी ए टी लिखा जाता है, ए प्लस 1 बी, वाई प्लस 2 ए, एस प्लस 1 टी, आपको लिखना क्या है, बी वाई एस प्लस 1 कर दो इसमें, बी प्लस 1 ए बी सी, ये आपका A, ये आपका T, कैट हो जाएगा, ढूंढिए A में दिया गया है, 47 का A उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए 48 दिया गया है कि आपको रिक्त स्थान का अंक बताना है, यहाँ पर आपको दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये टर्म गायब है, कैसे होगा बताइए। यहाँ पर देखिए 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4, 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9, 9 प्लस 7 इक्वल्स टू 16, 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25, 25 प्लस 11 इक्वल्स टू 36, 36 प्लस 13 इक्वल्स टू 49, और 49 प्लस 15 इक्वल्स टू 64 टर्म मिल रहा है। ठीक है, 49 आपका उत्तर होगा, क्या किया गया बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो है ऑड टर्म अर्थात विषम संख्याओं का योग किया गया है, देख रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, है ना, आगे 15, तो यही सभी चीजें इसमें छुपी होती हैं जो आपको ढूंढना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 दिया गया है कि विजय जो है वॉक करता है 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, देन ही वॉक 3 किलोमीटर टर्निंग टू राइट अगेन, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, हाउ फार इज ही फ्रॉम नाउ। अर्थात प्रश्न आपके साथ थोड़ा सा खेल रहा है, आइए ये देखिए, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट प्रश्न में कह रहा है कि यदि वह इस पॉइंट पे है तो साउथ अर्थात दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर गया, फिर वहां से दायां मुड़ा, दायां इस तरफ होगा, ठीक है, यहां से मुड़के वह 3 किलोमीटर गया, ठीक है, और फिर यहां से दायां मुड़ गया, फिर इस तरफ हो जाएगा और 5 किलोमीटर चला गया, फिर कितनी दूरी पर है, यही दूरी है ना, ये दूरी कितना है, इसके बराबर हो जाएगा ना 3 किलोमीटर, कहां दिया गया है, सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, और 50 दिया गया है कि 1, 5, 7, 8, 9 को क्या लिखा जाता है, एक्स टी जेड ए और एल लिखा जाता है, वहीं पर 2, 3, 4, 6 को
NPSU लिखा जाता है, फिर 23549 इसका कोड वर्ड क्या होगा? तो देखिए 2 के लिए N का प्रयोग किया गया, चलिए हो गया। 3 के लिए P का प्रयोग किया गया, चलिए ये भी हो गया। 5 के लिए T का प्रयोग किया गया, चलिए ये भी हो गया। 4 के लिए S का प्रयोग किया गया, ये भी हो गया। और 9 के लिए L का प्रयोग किया गया, है ना। अर्थात आपको NPTSL ढूंढना है, ये वाला शब्द NPTSL, ठीक है। तो ये आपके D में दिया गया है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 50 का डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो 2020 में पूछा गया था रोहतक एग्जाम में अंबाला में, वो प्रश्न मैंने आपको पूरा पूरा करा दिया। यदि किसी बच्चे के पास प्रश्न है और वो चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन मिले, तो अभी हमें व्हाट्सएप करें प्रश्न 7979946092। जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको वीडियो के रूप में सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। और जिनको नोट्स पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो बने रह सकते हैं, अन्यथा क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों अब आपकी क्लास हो गई खत्म। यदि आप पीडीएफ के बारे में इंटरेस्टेड हैं, फ्री पीडीएफ, पेज पीडीएफ, ठीक है, हर एक प्रकार की सुविधाएं हैं। यदि आप फ्री पीडीएफ चाहते हो तो आप www.estudyandupdates.com पे जाओगे। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ के रूप में प्रैक्टिस सेट्स हो गए, जीके एमसीक्यू बुक के पीडीएफ हो गए, जीके हैंडी 10 पीडीएफ हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, मैथ्स के पीडीएफ हो गए, सभी चीजें यहाँ पर अपलोडेड हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जॉब नोटिफिकेशन वगैरह भी डाली जाती है। तो इन सभी के पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इन सभी चीजों को वहां पर ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और यदि आप पीडीएफ ढूंढने में असक्षम हो तो आप डेटा चार्जेस पे करके आप पीडीएफ व्हाट्सएप पे भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप व्हाट्सएप करोगे 7979946092। याद रखें यहाँ पर आपको सजेशंस फ्री है, लेकिन पीडीएफ यदि डिमांड करते हो तो उसके लिए आपको चार्जेस किए जाएंगे। यदि फ्री चाहते हो तो पूर्णतया www.studyandupdates.com पे चले जाएं। चलिए मैं इसका इंटरफेस भी आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा है और कैसे आप वहां से डाउनलोड करोगे। देखिए ये रहा आपका स्ट्रीन अपडेट्स का इंटरफेस। इसमें यदि आप पीडीएफ के लिए जाते हो इंडियन आर्मी के, तो इंडियन आर्मी में चलोगे। इंडियन आर्मी में जाने के बाद जैसे ही आपका ये इंटरफेस खुलेगा, इसमें आपको देखिए दिया रहता है जीडी के सेट चाहिए तो जीडी पे जाइए, ट्रेडमेंट के सेट चाहिए ट्रेडमेंट पे जाइए, या फिर आपको टेक्निकल के सेट चाहिए तो टेक्निकल पे जाएं, नर्सिंग के सेट चाहिए तो नर्सिंग पे जाएं, ठीक है, उस पर क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं जीडी का सेट करवा रहा हूं, तो जीडी पे चलता हूं। ये पहुंच गए हम जीडी के सेट पे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जीडी का सेट खुल चुका है और इसमें जो है आपको 10 सेट, ठीक है, सेट फर्स्ट, सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 सेट, ठीक है। ये सेट्स आपको फ्री अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है इस सेट्स को पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, उसके बाद इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए है ना, सभी कुछ अवेलेबल है आप लोग के लिए, फ्री सुविधा है, थोड़ी सी मेहनत करो। और सेट्स को डाउनलोड करने के लिए इस क्लिक बटन पे आपको आना पड़ेगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, देखिए डाउनलोड का ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा डाउनलोड का ऑप्शन। 1.37 MB का फाइल है जो कि आप जहाँ चाहो सेव करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। यहाँ पर आपको जीके वगैरह सबकी सुविधाएं दी गई। यदि आपको जीके चाहिए तो जीके पीडीएफ पे चले जाओ, वहाँ पे आपको जीके के पीडीएफ जो कि हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं सब दिए गए हैं, आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका फ्री नोट्स, ओके। और इसमें लिमिटेड है, जैसे कि 10 सेट दिया गया है तो आप वही डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन यदि आप चाहते हो कि 25 सेट, 50 सेट ये डाउनलोड करना है, या फिर आपको नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी चार्जेस पे करनी पड़ेगी और आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों ये रहा पीड पीडीएफ के लिंक जो कि इंस्टामोजो के थ्रू प्राप्त होता है। यदि आप लोग यहाँ से पीडीएफ बाय किए हैं कभी तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप जानते ही होंगे, अन्यथा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जैसे ये आपके रहे जीके के नोट्स, ये आपके रहे मैथ्स के नोट्स, ये रहे आपके साइंस के नोट्स, ये रहे आपके रीजनिंग के नोट्स, ये नोट्स हैं, ठीक है। इनके प्राइस नीचे मेंशन किए गए हैं। ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट्स, ये रहे आपके 50 प्रैक्टिस सेट्स, ये रहे आपके 25 प्रैक्टिस सेट्स। आपको जो लेना है उसके अनुसार प्राइस है। यदि 25 लेते हो तो 40, यदि 50 लेते हो तो 75 आपको चार्ज किया जाता है। यदि मैं 50 पे चलता हूँ तो इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये इस प्रकार से अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। कुल 5 पिक्चर्स होती है, इन 5 पिक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि इस पीडीएफ में क्या है, ठीक है। प्राइस आपको मेंशन है ₹75, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद
आप अपनी आईडी, ईमेल आईडी के थ्रू बनाएंगे, ठीक है, जो आपका गूगल आईडी है उससे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप चार्ज पे करेंगे, चार्ज पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जिससे आपका दिल है उससे चार्ज पे करें। जैसे ही आप चार्ज पे कर देते हो एक न्यू पेज खुलेगा, उस पेज में आपको डाउनलोड लिंक दिया रहेगा। जैसे ही आप उस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इंस्टा मोजो का फायदा यह है कि यदि आप एक बार बाय कर लेते हो तो ये हमेशा आपके पास सेव रह जाता है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप पे फाइल डिलीट हो जाती है लेकिन इस पे फाइल डिलीट नहीं होती है। ये आपका पहला फायदा। और दूसरा फायदा कि इसका जो डाउनलोड लिंक है वह आपके ईमेल आईडी पर भी चली जाती है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जब मर्जी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप फोन को रीसेट कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका फाइल सेव रहेगा। जैसे ही आप इंस्टामोजो में दोबारा लॉग इन करेंगे आप सभी फाइल को आराम से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड हैं वो हेल्प कर सकते हैं पीडीएफ खरीद कर, ताकि हम और भी डेवलप हुए और आप लोग को अच्छी से अच्छी चीजें आसानी से प्राप्त करवाते रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।